हरे कृष्णा राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल फील इंस्पायर्ड। फ्रेंड्स, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। देखिए, हमने यहाँ पर ये कान्हा जी को धोती पहना ली है। इनकी जो ड्रेस है वो मैंने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है, उसमें तैयार की है और बहुत ही सिंपल तरीके से धोती बनाई है और इनको पहनाकर अच्छे से सेट कर दी है। अब धोती के ऊपर जो हम कमरबंद बांधेंगे, ये मैंने एक पटका बनाया है इनका। ये एक्चुअली रेड कलर नहीं है, लेकिन इसमें शायद ये रेड दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही अलग सा कलर है। तो यहाँ पर पटके को हम इस तरीके से सेट करेंगे, क्योंकि कृष्णा जी को मैंने होली खेलने के लिए तैयार करना है, तो बहुत ही मतलब अलग सा लुक हम उनका रखेंगे। इस तरीके से मैंने एक बार पहले भी इनको पहनाया था, शायद लास्ट जो श्रृंगार किया था उसे मैंने इसी तरीके से इनका श्रृंगार किया था। पर ये हम जो उनका पटका है वो हम कमरबंद पर इस तरीके से बांध देंगे और इसको थोड़ा हम अच्छे से, जो हमने इसमें प्लेट्स बनाई हैं उनको थोड़ा अच्छे से सेट कर देंगे। और सबसे पहले इसको हम टाइट, मतलब बहुत टाइट सा हम इसको यहाँ पर बांध देंगे पिन की हेल्प से। इसमें इसको हमने यहाँ पर सेफ्टी पिन की हेल्प से ही सेट किया है, और बाद में इसको जब हम मंदिर में कृष्णा जी को विराजमान करेंगे इसको थोड़ा हम अच्छे से सेट कर लेंगे, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा टाइट से बांध देंगे। ये देखिए, और अगर आप इसके ऊपर कमरबंद बांधना चाहें तो बांध भी सकते हैं, नहीं तो उसमें लेस लगाया है, कमरबंद की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर लुक थोड़ा और अच्छा सा हैवी सा लुक देने के लिए यहाँ पर मैं कमरबंद बांध रही हूँ। ये एक चोकर नेकलेस है जो मैंने पहले भी मेरी कई सारी वीडियो में यूज़ किया है। मैंने एक बार इसका राधा रानी का माथा पट्टी ही बनाया था इससे, और शायद एक बार मैंने कमरबंद भी बनाया था कृष्णा जी का ही। तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से बांधेंगे, सेंटर से हम इसको नीचे की साइड रखेंगे और दोनों साइड से हम ऊपर की साइड रखेंगे और इसको इस तरीके से सेट कर देंगे। इससे लुक थोड़ा और अच्छा और उभर कर आएगा। ये देखिए, अब हम यहाँ पर कृष्णा जी को शॉर्ट नेकलेस पहनाएंगे। शॉर्ट नेकलेस मैंने यहाँ पर ये ग्रीन कलर का लिया है, ये भी कुंदन और जरकन की है, जरकन से बना है, लेकिन ये मैंने ग्रीन कलर का लिया है, ये मुझे येलो कलर में नहीं मिला था। मेरे हाथ में फ्रैक्चर है इसलिए मैं खुद से ज्वेलरी इस बार नहीं बना पाई थी, तो ये दिखाई भी नहीं दे रहा है पहनाने के बाद में, लेकिन कोई नहीं, चले क्योंकि उनका हाथ सामने की साइड है तो इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं देता। और ज्वेलरी हम थोड़ी सी हैवी रखेंगे, क्योंकि इस ड्रेस के साथ में मैंने कान्हा जी के लिए ब्लाउज़ नहीं बनाया है। एक ज्वेलरी हम ये पहनाएंगे येलो मोती में, ये मैंने पेंडेंट डाला है, एक ये पहनाएंगे, और इसके बाद फिर हम एक इनको लॉन्ग नेकलेस भी पहनाएंगे। इससे थोड़ा सा हैवी लुक क्रिएट हो जाएगा। इसको बहुत इजी सेट करना रहता है, बस खाली आपको पीछे की साइड एक नोट लगाना होता है, और इसको हम थोड़ा अच्छे से सेट कर देंगे। अब हम पहनाएंगे इनका लॉन्ग नेकलेस, वो भी येलो में है। ज्वेलरी मैक्सिमम मैंने यहाँ पर येलो कलर में रखी है, ये काफ़ी हैवी नेकलेस है क्योंकि ये मोती का है, इसमें वेट काफ़ी ज़्यादा है। इसको सेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, पर ये सेट होने के बाद बहुत ही अच्छा इसका लुक आया था। ये देखिए, अभी कृष्णा जी बहुत प्यारे लग रहे हैं अभी से ही, अभी तो इनका श्रृंगार पूरा भी नहीं हुआ है। और साथ में कंगन भी हमने यहाँ पर मल्टी कलर लिए हैं, और कंगन का जो कलर है वो पूरा इनकी ड्रेस से मैच हो रहा है, क्योंकि ड्रेस में भी सब यही पिंक, रेड, ग्रीन, वाइट, यही सब कलर हैं, और येलो इनकी ज्वेलरी है, तो ये काफ़ी अच्छे से मैच हो जा रही थी। तो अब इनको हम पहनाएंगे इनके इयररिंग। मोस्टली मुझे बाद में याद आते हैं इयररिंग पहनाना, जब मैं इनकी पगड़ी बांध देती हूँ। आज मुझे पहले ही याद रहे तो आज हमने इनको पहले ही इयररिंग पहना दिए, क्योंकि बाद में पहनाना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली पगड़ी बांधने के बाद में। ये देखिए, अब हम इनको इनके हेयर विग पहनाएंगे। कृष्णा जी के ऊपर हेयर जो रहते हैं वो कर्ली ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इनसे एक बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही अलग सा लुक आता है। अब मैं यहाँ पर जो पगड़ी बांध रही हूँ उसको बांधने के लिए मैं यहाँ पर ये वाइट स्टॉकिंग ले रही हूँ। स्टॉकिंग का फैब्रिक बहुत अच्छा रहता है स्पेशली पगड़ी बांधने के लिए, बहुत ईजिली इससे पगड़ी बंध जाती है, बहुत आसान तरीके से पगड़ी सेट हो जाती है, ज़्यादा हिलती डुलती नहीं है। आप जिस शेप में इसको बांधोगे ये उसी शेप में बंध जाती है। ये देखिए, पगड़ी बांधने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पीछे की साइड से कपड़ा लेकर आना है, इनके एक कान के ऊपर से लेके जाना है, फिर दूसरे भी इसी तरीके से दूसरी साइड से इनको बांधना है,
अब इसको हम यहाँ पर ऑल पिन की हेल्प से सेट कर देंगे। और साथ में पगड़ी में थोड़ा सा कंट्रास्ट डालने के लिए ये स्टॉकिंग मैंने डबल कलर में ली है, पिंक और वाइट में। इसको मैंने यहाँ पर रोल करके फोल्ड कर लिया है और इसके हम दो राउंड एक ही साइड लगाएंगे। इसको भी हम ऑल पिन की हेल्प से अच्छे से सेट कर देंगे। इससे क्या रहेगा कि एक पगड़ी का एक साइड से जो पगड़ी का लुक आएगा वो वाइट आएगा और दूसरी साइड से जो पगड़ी का लुक आएगा वो वाइट और पिंक के कॉम्बिनेशन में आएगा। देखिए अभी तक पगड़ी कंप्लीट भी नहीं हुई है, अभी तक बहुत अच्छा इनका लुक आ रहा है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। होली खेलने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार। और सबसे पहले पगड़ी सेट करने के बाद हम इनको मोर पंख लगाएंगे, क्योंकि मोर पंख कृष्णा जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उससे ही खाली अगर आप इसमें और कुछ भी ऐड ना करें तो खाली मोर पंख से बहुत सुंदर लुक आता है। लेकिन इस बार मैं यहाँ पर पगड़ी अटैचमेंट यूज़ करूँगी। ये देखिए, ये थोड़ा सेट होने में प्रॉब्लम कर रही थी क्योंकि इसमें जो ऑल पिन था बहुत मोटा था, लेकिन फिर सेट हो गया था। यहाँ पर मैंने दो पगड़ी अटैचमेंट लगाई हैं, एक ये ग्रीन कलर की छोटी सी, ये देखिए, और एक ये मैंने यहाँ पर जो पगड़ी में थोड़ा सा अच्छा सा लुक दिया है, ये मैंने एक चौकोर नेकलेस बनाया था राधा रानी और कृष्णा जी के लिए। अब इसको हम यहाँ पर पगड़ी सेट करने में इस तरीके से सेट कर लेंगे। ये देखिए, इस साइड से बहुत सुंदर सा बहुत प्यारा सा लुक आ गया है। बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कृष्णा जी का सिंगार ये कैसा लगा। और अब लास्ट में हम इनको पायल पहनाएंगे। मैंने इनकी अंगूठी इनको पहना दिया है, तिलक लगा दिया है। ये देखिए, पायल पहना दिया है हमने और कृष्णा जी का सिंगार हमने कंप्लीट कर दिया है। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।